से नहीं, हम शायद हमारी दौलत से मोहब्बत करती हैं। क्या? ऐसी ही बात। वैसे एक बात पूछूं, शायदा ने क्या किया तुम्हारे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। वो ही थी जो जायदा को मशवरा दिया करती थी। उसने कहा था कि अरे वाह, शायदा ने कहा था? अल्लाह, शायदा कितनी अच्छी है। पर मुझे नफरत उससे, नफरत। ए अम्मा के खजानची, बहुत मोहब्बत करते हो ना तुम अभी भी जायदा से। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, तुम जायदा की यादों से बचकर नहीं जा सकते। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं जो मेरी सोच के भी खिलाफ है, मगर तुम शायदा से शादी कर लो। पागल हो चुके हो तुम। तुम पागल हो, जा कहाँ रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं हो तुम्हें कितने लाख मिलते हैं? अम्मा से जाके क्यों नहीं पूछते तुम? अम्मा, ये लड़की फिर से पागल हो गई है। अरे शादी उसकी जिंदगी बर्बाद करने का गोल्डन चांस है। बच्चों ने अनक पता नहीं मेरी कहाँ फेंक दी है। बगैर अनक के अब नजर भी नहीं आता सही तरह से, आंखों पे सारा प्रेशर पड़ रहा है। अरे साहिशा, ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें नींद की गोली दी थी। मैंने नींद की गोली नहीं खाई मंजूर अली, काम से आता था, देना है वक्त पर। अरे काम तो होता रहेगा। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन शादी के कपड़े हैं, आप तो जानते हैं शादी के कपड़ों में वालदेन की जान अटकी भी होती है। खैर है, परेशान है ज्यादा। ज्यादा का फोन आया था? अरे नहीं भाई, वो नसीम बानो की फोन आई थी। खैरियत? वैसे तो फोन नहीं करती वो। हाँ करती तो नहीं है, लेकिन वो रो रही थी। अब मैंने कहा कुछ बताओ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कल फोन करके पूछ लूंगा उससे। अच्छा कल आपकी बात हो तो मेरी बात भी करवा दीजिएगा, फिर कहेगी भाभी ने बात ही नहीं की मुझसे। हाँ करवा दूंगा। इंशाल्लाह खैर हो। नसीम बानो का ऐसे तो फोन नहीं आता, कोई ना कोई मसला तो होगा। ये ना मेरे सर पे ही आके बैठ जाए मुसीबत मारी। इनकी बहनों का कोई भरोसा भी नहीं है भाई, मेरी तो पहले ही तबीयत खराब है। अल्लाह माफ करता मुझे, हाय कपड़े इतने रहते हैं, या अल्लाह हिम्मत दे, नींद भी आ रही ऊपर से, बगैर गोली खाए नींद आ रही आज तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही ना, तुम ऐसे गए कि वापिस ही ना आए। मैं सोच रही थी कि तुम खाना खा के जाते, मगर तुम ये जा वो जा। अरे हाँ फिक्र नहीं करो, लॉकर का भी ख्याल रखूंगी। अरे बाद में करती हूँ बात। अम्मा मैं तो ऐसे ही देख रही थी। अरे मेरी लाडो, क्या देख रही थी? ये देख रही थी कि तू इस अलमारी में पूरी आ सकती है या नहीं। अरे अम्मा अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अरे ओ फहमीदा, अकल के नाखून ले। अरे अरे दुनिया क्या सोचेगी कि वो क्या मिसाल बनी हुई है कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। अम्मा पहले घर वाले चिराग को आग लगाते हैं, फिर वो चिराग आग लगाने के काबिल होता है। मैं ही पागल हूँ जो हजार दो हजार लेकर आप लोगों से भीख मांगती रहती हूँ। अच्छा अच्छा दे मेरे पैसे। अरे मेरे पैसे दे मुझे, ये मेरी हक हलाल की कमाई है। हाँ अपनी हक हलाल की कमाई के लिए अपनी औलाद को ही हलाल कर देना, सब पता है मुझे, भरा होगा ना उसने। लुटी हुई रियासत का उजड़ा हुआ नवाब, खुद तो सारा कुछ ले गया, बैग भी और लॉकर से पैसे भी, और अब शायदा शायदा करता फिरता है। और मेरी जिंदगी में आग लगाने से ना वो अभी भी बाज नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मुझे इस जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए बस। है? क्या? मुझे मेरा हिस्सा दे दो अम्मा, मुझे जरूरत है। अरे फहमीदा मेरा दिमाग खराब मत कर, सुन रही है?
अम्मा मेरा हिस्सा दे दो वरना मैं ना केस कर दूंगी। मैं कल ही जाती हूँ, मैं वकील से बात करती हूँ। अरे या खुदाया, ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने इसकी। या अल्लाह किस मुसीबत में हमारी जान फंसा दी, क्या करूं क्या ना करूं। अरे वहीदा वहीदा, हेलो जी आप ही जी, क्या कह रही थी क्या कह रही थी, क्या हुआ आप ही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शायदा कि तुम मेरे मियाँ के दोस्त को मैसेज करो और उसको बोलो कि मुझसे शादी कर ले। नहीं नहीं आप ही, वो अम्मा समझ रही थी कि वो तुमसे दोस्ती करके तुम्हें इज्जत देना चाहता था। इज्जत रास नहीं आती ना तुम लोगों को, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है इन सब चीजों का। बेइज्जती मेरी भी कराई और अपनी भी, ये क्या तरीका है? मेरी बात सुनो, आइंदा मैं ये ना देखूं और ना सुनूं कि तुमने मेरे मियाँ के दोस्त को मैसेज किया है। समझ आई ना? हेलो बेवकूफ, कहेंगे मेरी जिंदगी कम हराम की हुई है मेरे ससुराल वालों ने कि इनको भी चाहिए। अब इसकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिल रही, ये सब अम्मा? हाँ? वो अब्बा का फोन आया, वो कह रहे हैं वो आज नहीं आएंगे खाना खाने। लो भला ये क्या बात हुई, पहले बता देते ना, इतनी मुश्किल से हंडिया बनाई है मैंने, कपड़े सीती आराम से बैठ के और तुम लोगों को कल का खाना खिलाती। अब्बा ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया ना। जानती हूँ, बहन ने दो टसवे के अब बहा के दिखा दिए, यहाँ भाई ने खाना छोड़ दिया। क्या हो गया? कुछ नहीं, कल तुम्हारी नसीम फुप्पो का फोन आया था, रो रही थी तारो कतार। अगर इस लड़की ने टाइम पर शादी कर ली होती तो किसी बात का रोना नहीं होता। सही कहती है शमी मापा, लड़कियां चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन 35 के बाद वो सिर्फ चिल्ले काटती रह जाती है औलाद के लिए। आप ही तो अभी 35 की नहीं हुई थी। अरे मेरी बच्ची कहां से आ गई बीच में, अल्लाह ना करे मेरी बेटी का नसीब नसीम बानो जैसा हो, अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। अल्लाह, लोगों की औलादें तो दिल बहलाने के लिए होती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं माँ बाप से, और मेरी सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए। कोई और काम आता है? वहम डाल दिया मेरे दिल में, अब मैं भी रात दिन यही सोचूंगी। सही कह रही हैं आप, वैसे आप ही ने शायद आप ही को भी एक बार जलील किया है। वो क्यों? यकीनन शायदा ने कोई बात की होगी। हाँ वो लंदन वाली की बात की थी। तो क्या आप ही ने हमेशा की तरह औकात की बात कर दी? एक तो ये लड़की भी ना, कुछ लोगों की सिर्फ शक्लें अच्छी होती हैं और सिर्फ शक्लें ही अच्छी होती हैं। ये क्या बोल रही हो? ये नहीं कि बहन के लिए दुआ मांगो, बहन भी तो कुछ मांग सकती है ना हमारे लिए। तो अम्मा आप छोड़े, आप कपड़े सिए, आपने ऑर्डर पूरा करना। सी लूंगी, दे दूंगी टाइम पे मैं कपड़े। एक तो ये ज़ाहिरा भी ना, क्या चाहता अगर बहन की अच्छे घर में शादी हो जाती तो, लेकिन इसको तो अपनी ससुराल की इज्जत की पड़ी हुई है। अरे अम्मा क्या हो गया है, क्यों परेशान है? अरे कैसे परेशान ना हो, अभी तुम माँ नहीं बनी ना, जब माँ बनोगी ना तो फिर तुमसे पूछूंगी कि परेशानी क्या होती है। क्या मतलब अम्मा, आप लोगों ने फिर सारा खेल चौपट कर दिया। क्या करती तू ही बता, क्या करती? सब कुछ दे दूं उसे, सब कुछ लुटा दूं उस पे। अरे मेरी बेटी को अगर सुखी रखता, उसको चैन से रखता, सुकून से रखता तो अपना सब कुछ निछावर कर देती उस पे, लेकिन उसने तो हमारी ही जान निकाल दी। अम्मा हाँ करती हूँ कुछ इंतजाम उसका। आप कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ करने जाएंगी इससे पहले वो अपना कुछ ना कुछ करके बैठ जाएगी। वैसे भी वो तो चाहती है अम्मा कि आप कुछ करें, उससे पहले वो अपने आप सब कुछ खुद कर ले। या मेरे अल्लाह, मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। हाय बेटा हाँ, तुम लोग अच्छे हो, दो चार घंटे का इम्तिहान दिया और खत्म।
लेकिन माँ बाप का इम्तहान सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। हम्मा, औलाद होती है कैसा इम्तिहान है, जिंदगी में आ जाए तो फिर जिंदगी खत्म कर कर ही जाएगी। बेटा तुम उससे बोलो कि हम पे रहम करे। अम्मा वो खुद काबिले रहम है, आप दे देना पैसे उसे। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं उसे। तो फिर ठीक है, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। याद है ना गई थी एक दफा वो घर छोड़ के, अब हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे बस कर दे लड़की, तू यहाँ मेरा खून खोलाने के लिए आई है। हम्मा दे देना 50,000 रुपए, लोग अपने मकान का किराया भी तो देते ना इज्जत से रहने के लिए, आप अपनी बेटी का सदका दे दे इज्जत से रहने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, 25,000 ठीक होंगे। अम्मा क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है, ठीक है बोल दिया मैंने, 30,000 दे दूंगी, इससे ऊपर एक रुपया ना कहना मुझे। दे दे कुछ तो दे दे, नहीं तो वो आपका सब कुछ लूट के ले जाएगा। ठीक है चल जरा दबा दे, अभी तक तकलीफ नहीं खत्म हो रही। शाबाश मेरी बच्ची शाबाश। देखो साजिदा, वो ज्यादा जानती है अपने ससुराल वालों को, अब तुम क्यों सोचती हो कि वो नहीं जानती। अरे वो जानती है, इसलिए वो नहीं जानती। और देखो हर चमकने वाली चीज जो है ना सोना नहीं होती। हाँ मंजूर है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन चमकती हुई चीज सोने जैसी तो होती है ना। आपको याद है जब भी बेटी पैदा होती थी आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे, और मैं हमेशा डर जाती थी कि अगली बार भी कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। अरे हाँ तो बेटियां जन्नत होती है ना, तो क्यों ना मिठाइयां बांटता मैं। हाँ मंजूर अली, हाँ बेटियां जन्नत का दरवाजा जरूर होती है, लेकिन उन पर इस दुनिया के दरवाजे बंद करके सोच के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बेटियों के नसीबों से बहुत दिल डरता है मेरा, मैं बेटियों के नसीबों से पहले भी डरती थी और आज भी डरती हूँ मंजूर अली। सायदा और शायदा के लिए बहुत परेशान हूँ मैं, दिल हौलता है मेरा हर वक्त। देखो शायदा की फिक्र तुम मत करो, जायदा की मुझे फिक्र है कि पता नहीं किस हाल में होगी। किसी अपने के पास होती ना तो मेरा दिल नहीं डरता, लेकिन अब मेरा दिल जो है ना अब पता चला आपको मेरा दिल क्यों डरता है। कर लो मजाक, ऐसी मजाक करके फुप्पो के घर में भी सबको हंसाते हैं। हाँ तो मेरी फुप्पो का घर है और जल्द ही इंशाल्लाह आपका अपना घर हो जाए। क्या बकवास है ये? मैंने ही कहा था आप ही से, वो है ही ऐसी कि उन्हें कोई भी बेहतर मिल सकता था। तो क्या मैं बेहतर नहीं? हनीस भाई आप तो मेरे साथ ठीक नहीं किए। हनीस भाई आप अच्छे हैं, लेकिन आप ही के लिए कोई बहुत अच्छा होना चाहिए था, शहजादी है वो। बस से बेहतर मिल सकता था उसे। बात करती है, बकवास करती है। मैं उसे फोन उठा, मैं उसे बताता हूं कि मुझसे बेहतर कैसे मिल सकता है उसे।
मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? अल्लाह अनीस, अनीस बेटा, अनीस बेटा, अनीस, हाय मैं मर गई, इसने फिर गोलियां खा ली। अरे बेटा ये तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? अनीस देखो तो शायदा का फोन है ये तो। हेलो, हाँ बेटा शायदा। अच्छा अच्छा अनीस ने किया था फोन। अच्छा 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 बेटा वो असल में ना अनीस की अचानक आंख लग गई है, अभी उठता है तो मैं कॉल बैक करवा देती हूँ अपनी बेटी को। ठीक है बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो इसका मतलब है आजकल इनकी बात आपस में होती है, ये तो वैसे एक तरीके से बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर ये सो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अरे अम्मा आप कहाँ रह गई थी, तेल लगाने का कहकर गई थी। अरे भाई मैं अनीस के कमरे में गई थी, उसका फोन आ रहा था और वो जनाब नींद की गोलियां खाकर सो गए होंगे। बाकी अल्लाह उसे सुकून दे। हाँ भाई अब तो अल्लाह सुकून दे ही दे। वैसे ये अनीस और शाहिदा का क्या किस्सा है? कौन सा किस्सा अम्मा? अच्छा अब ज्यादा बनो नहीं मुझसे। अम्मा मैं तो बनी बनाई। अच्छा खैर छोड़े, हुआ क्या है अम्मा? अरे भाई उस दिन मैंने देखा था कि अनीस शाहिदा का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था। अनीस के पास शाहिदा की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि अनीस भाई की कॉल आई थी। शाहिदा की कॉल? अम्मा वैसे बीच में हमें इनसे कितनी नफरत हो गई थी ना, और ये सब फहमीदा की वजह से हुआ था कि मेरा दिल खुद ब खुद उनसे नफरत करने को करता था। पर अम्मा अब ये आइडिया बुरा नहीं है। क्या मतलब? आपने मेरी शादी करनी है ना? अरे हाँ जरूर, क्यों नहीं। जब एक बेटी घर से जा सकती है तो दूसरी आ भी तो सकती है, और अगर एक सर में तेल लगाती है तो दूसरी पैर दबाती है। अम्मा ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी फोन करें। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं अब अच्छा चलो ठीक है, ऐसे करती हूँ कि कल कॉल करें। अम्मा अभी करें प्लीज, चलें। अरे बोला ना। अच्छा चलो मुंह तो मत बनाओ, मेरे लिए तू चाय का कप बना, मैं करती हूँ जाके बात। चल जल्दी से, ये बच्चे भी ना आजकल के बस। नसीब बानो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही?
अरे पापा की फोन। हेलो पापा, कैसा है मेरा भाई? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो, जीती रहो। अरे क्या कर रहा था? कुछ नहीं पापा, वो नसीम बानो का फोन आया था। अरे छोड़ उसे, वो तो खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन कर लेती है। जी जी, आप ठीक है ना पापा? अरे हाँ, मगर मैं मजीद खुश होना चाहती हूँ, हशाश बशाश रहना चाहती हूँ। पापा बस आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पर मेरे भाई, मैं कैसे रखूँ अपना ख्याल? मेरा ख्याल रखने वाली तो तुम्हारे पास है। अच्छा साजदा? आपा साजदा अपना ही ख्याल नहीं रखती, आपका क्या ख्याल रखेगी? अरे अल्लाह ना करे कि मुझे उसका ख्याल भी आए, मैं तो किसी और की बात कर रही हूँ। और क्या मतलब, कौन और? हाँ जी है एक, जो मेरे घर पे भी रहे, मेरे हाथ भी दबाती है और मेरे पैर भी दबाती है। अच्छा अच्छा, आप शायदा का कह रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं शायदा को भिजवा देता हूँ आपका क्या लगने के लिए और हाथ पाँव दबाने के लिए। अल्लाह ना करे जो मैं उससे अपने पाँव दबाऊँ। देखो मंजूर अली, तुमने पहले भी एक बार मुझे खाली हाथ लौटा दिया था, अब खाली हाथ ना लौटाना। मैं कुछ समझा नहीं आपा, आप क्या कह रही हैं? अरे जो तुम समझ रहे हो ना मंजूर अली, वो ही कह रही हूँ, बस तुम बोलो हाँ है ना। आपा मेरी तरफ से तो हाँ है। तो बस ठीक है, अरे सलामत रहो मेरे भाई, बस बता देना कि शायदा अब हमारी हो गई। जी 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 आपा जी। ठीक है, अरे वहीदा। जल्दी से मिठाई मंगवाओ ताकि मैं बांट सकूं, उसने हाँ कर दी। अरे पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। है? क्या अम्मा? अरे कुछ नहीं, ये कहावत है। अच्छा अम्मा आप चाय तो पी ले, मैं सबको बता कर आती हूँ। अरे रख दे इधर, अभी चाय भी पी लूंगी, चल जा ले जा, मैं नहीं पीती। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे तुम यहाँ बैठी भी हो, सोई नहीं? नहीं। अच्छा तुम चाय बनाओ ना तो मेरे लिए भी बना देना। मैं नहीं बना रही, अगर तुम बनाओ तो मेरे लिए भी बना दे। ओके। कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है? हाँ अभी रात है और कल सुबह इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी। कर लो मजा, ऐसी मजाक करके फुप्पो के घर में भी सबको हंसाते हैं। हाँ तो मेरी फुप्पो का घर है। और जल्द ही इंशाल्लाह आपका अपना घर हो जाएगा। क्या बकवास है ये? यही बकवास अभी मैं अपने कानों से सुन के आ रही। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और अब्बा ऐसा ही करे। पर क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया है यार? तो मसला है कि तुमने सही वक्त पर कुछ किया नहीं। अगर कर लेती तो अच्छे से घर में आराम से बैठ के कॉफी पी रही होती, यहाँ बैठ के खून के घूंट नहीं पी रही होती। मैं अब्बा से बात करती हूँ। करना भी मत, कल का निकाह आज पढ़ा देंगे वो, तुम और कर लो सस्ती। अच्छा खासा लंदन में निकाह हो जाए तो पढ़ने ही, लोकल जगह पे रहेंगे और लंदन को नखरे दिखाएंगे। क्या मुसीबत है। वैसे आपा ने खुद बात की है। तो आपने साफ साफ कह देना था, इस बेटी को हम 10 साल तक बिठा के नहीं रखेंगे। अरे भाई बात ही तो की है ना, अभी तो आएंगी। तो कह देते ना। अब तो कर लूंगा ना, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? मेरा मसला ये है कि मैं माँ। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। देखो मंजूर अली, देखो साजदा आपा आ रही है, तो उसने बात की ना, मैं तो हाँ कह दूंगा। आपा अपनी है। हाँ आपा अपनी है, बाकी तो सब पराए हैं, परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। कोई है तुम्हारी नजर में?
वो आए थे रिश्ता लेकर, न बात करने की तमीज न उठने बैठने की। अदनान कह रहा है कि उसने अनीस भाई की गाड़ी मोहल्ले में देखी है। अरे वो तो आता ही रहता है, उसका क्या है? माँ अनीस भाई आप ही वाले नंबर वन हैं? ज़ाहिदा भी थी साथ? मुझे क्या पता, मुझे तो खुद अदनान ने बताया। मैं कुछ ले आता हूँ बाहर से चीजें, तुम कुछ यहाँ पे बना लो उसके लिए, हो सकता है यहीं पे आ जाए। वो बिस्किट ले आना, वो जीरे वाले। हाँ हाँ वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। किसी को एहसास ही नहीं है मेरा, सारा दिन किचन में मैंने गर्मी में कोरमा पकाया, अब ये फोन नहीं उठा रही। पागल कर देंगे ये लोग मुझे। अम्मा हाँ आप ही फोन नहीं उठा रही, तो करती रहना उठा लेगी। अम्मा वो अजनान बोल रहा था कि उसने अनीस भाई को दो बार इस मोहल्ले में देखा। तो ये बात सुबह बतानी थी ना, तब क्यों नहीं बताई? तब नहीं फूट सकती थी? सुबह से मैं किचन में गर्मी में कोरमा बना रही हूँ बैठी, वो कौन खाएगा? अम्मा वो ऐसे आए होंगे। ऐसे आए हो या वैसे आए, ज़ाहिदा को साथ ला सकते थे ना, बेटी है हमारी, चंद घड़ी यहाँ छोड़ सकते थे ना, ताकि हमारे दिल को भी ठंडक पड़ जाती, मैं भी अपनी बेटी को देख लेती। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा ना बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर हमारी ज़ाहिदा की शादी अपने अनीस से हुई होती ना, वो सर का ताज बना के रखता उसे। अम्मा आप ही को उनके फेवरेट ताज मिल गए, आप शायद आप ही की फिक्र करें। अम्मा मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अनीस भाई। चुप, एक खींच के मारूंगी चांटा, बतीसी बाहर आ जाएगी। तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तुमने करनी है शादी, उसकी होनी है ना शादी। तुम्हारे अब्बा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी अब लगता है कि तुम्हारे अब्बा ठीक थे, मैं गलत। अम्मा लेकिन कोई अच्छा लड़का? अच्छा लड़का कहाँ से आएगा? अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में है कोई अच्छा लड़का? बता कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार, कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस मैन है, कोई वकील है, प्रोफेसर है? बता कहाँ से लाऊं मैं अच्छा लड़का? सियाने कहती है अपना मारता है तो मार के छांव में फेंकता है, पर आई तो मुंह में पानी भी नहीं डालते। देख रही है ना बेटी है मेरी, उसे यहाँ लेके नहीं आते, मेरी आंखें तरस गई उसको देखने के लिए, दिल तड़पता है रात दिन। ज़ाहिदा कैसी होगी कैसी नहीं होगी, किससे पूछूं? खैर है ना इसलिए फोन भी नहीं उठाने देते उसे, कोई अपना होता कोई खैर खबर कुछ तो होती ना। तू ज्यादा मानो मन मेरी, तुम्हारे अब्बा जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे दे फोन, मैं मिलाती हूँ ज़ाहिदा को, इसको तो मैं बताती हूँ, फोन से निकल के मारूंगी इसको। समझती क्या है, फोन नहीं उठाती मेरा, एक बार इसको तो मैं बताऊंगी ये मेरा फोन कैसे नहीं उठाती, कैसे अपनी माँ से बात नहीं करती। अम्मा अम्मा दिखाएं, मैं करती हूँ। इसे जरा एहसास नहीं है कि मेरी माँ कितनी तड़प रही होगी मेरे लिए। अम्मा परेशानियों में मिला रही हम आपके कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं हम। आप ये जान हमारे लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं, आप सबके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। अम्मा अम्मा क्या है? अम्मा को बुला रहा था, कम से कम तुम जैसी लड़की तो मेरी माँ होने से रही। हो भी नहीं सकती, मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अम्मा कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, उनका फोन आया था कि 25,000 रुपए ले आना। तो यही तो पूछने आया हूँ कि ऐसे क्या जरूरत पड़ गई जो 25,000 रुपए मंगवाए मुझसे। वो तुम्हारी शादी हो रही है ना, शायद इसलिए मंगाए हो। बकवास मत करो। अरे बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ, मैंने सुबह ही सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी बिल्कुल तुम जैसी भयानक और खौफनाक लड़की से। अम्मा क्या नाम नहीं पूछोगे? अम्मा अरे घर में कोई नहीं है, शायद मामू के गए हैं, सईदा है सिर्फ कमरे में। पूछोगे नहीं किससे शादी हो रही है? किससे हो रही मेरी शादी?
तुम्हारी दुश्मन से। पागल हो गए हो क्या? पागल तो तुम हो गए हो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे बर्बाद करने का। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अरे तो बीवियों से मोहब्बत करता कौन है? मोहब्बत की जाती है मेरे जैसे खूबसूरत लड़कियों से। तुम उससे शादी करो और उसे बर्बाद कर दो। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। शादी है तुम्हारी, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। सोचो अगर उससे शादी हो गई तो कभी ना कभी जायदा से तो सामना होगा ना। नफरत के साथ मोहब्बत का भी इजहार कर लेना। मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुम हो ही गए हो। वैसे जायदा से कितने टाइम से नहीं मिले? महीनों से। अगर तुम अपने दुश्मन से शादी कर लेते हो तो कम से कम कभी ना कभी तो जायदा की शक्ल देख पाओगे। सोच लो। हेलो जी, हेलो अम्मा, अभी अब्बा की कॉल आई थी 2 घंटे पहले। क्या कह रहे थे वो? आप शायदा की शादी अनीस भाई के साथ कर रही हैं? कैसे कर सकती हैं आप ये अम्मा? और शायदा ऐसे कैसे कर सकती है? आपको नहीं पता मेरा उससे मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और अनीस, आपको पता है अनीस बर्दाश्त नहीं करते अनीस भाई को। और अनीस भाई को क्या हो गया? पहले तो मुझ पर मरते थे। अम्मा बाद में बात करते हैं। हमने शगुफ्ता मनान और खैर निसा को ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। वो क्यों? और इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अपने घर वालों पर एतबार नहीं। इसलिए किया है कि आपकी वजह से एक नया इल्जाम न लग जाए हम पर। अनीस, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। इल्जाम ही था वो, और आपने अच्छा खासा तमाशा लगा दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप तो नॉर्मल है। प्रॉब्लम हम में है। जी नहीं। क्या मतलब नहीं? आप ही की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। खैर आपकी बहन की तो वैसे ही अनीस मिर्जा से शादी हो रही है ना। आपके अब्बा का फोन आया था, कह रहे थे कार्ड देने आना चाहते हैं, हमने मना कर दिया क्योंकि हम तो उस शादी पर जाएंगे नहीं। हाँ पता, आप पर हमें पूरा यकीन है कि आप अपने अनीस की शादी पर जरूर जाएंगी। वो मेरे अपने नहीं है अनीस, आप हैं। आपका अनीस नहीं है वो? आप ही का अनीस है वो, जिसकी वजह से आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम आपको और उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हम आपके कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं हम। आप भी जान हमारे लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं। फिर आप सबके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। सरप्राइज? क्या नई मुसीबत है? कहाँ रख दिए इन लोगों ने पैसे? लगता है इन लोगों पे मुकदमा करना ही पड़ेगा। इज्जत की जबान ये लोग नहीं सुनते। अमिदा, अरे मेरी लाडली, मेरी चंदा, क्या ढूंढ रही हो? अम्मा मैं पैसे तो नहीं ढूंढ रही थी। हाँ इन सब के ना शनाख्ती कार्ड ढूंढ रही थी। मैं इन सब पे ना मुकदमा करूंगी और उस अनीस पे तो मैं अगवाए बराए तावान का मुकदमा करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा वो क्यों? अम्मा इन लोगों ने सबने मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे क्या हो गया तुम्हें फहमीदा? अम्मा मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे हमने तो नहीं खराब कर दी ना तुम्हारी जिंदगी। और नहीं तो किसने किया? अम्मा अम्मा देखना मैं इन सब पे मुकदमा करूंगी और इन सबको फांसी आऊंगी इंशाल्लाह। अरे बस कर दो फहमीदा, देखो तो सही मैं मुंह देखती जा रही हूँ तुम्हारा। मेरे बच्चों को फांसी दे दोगी मैं तुम्हें ही ना?
अच्छा ठीक है ना, मैं मना कर दूंगी जज साहब को फांसी ना दें, बस जेल में डाल दें, मेरी नजरों से दूर रहें बस ये। अच्छा ये बताओ कि पैसे कितने चाहिए? हाँ पैसे, अम्मा पैसे तो नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी जायदाद चाहिए। 2000? अम्मा क्या हो गया है? अच्छा चलो ठीक, 3? अम्मा 2 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, और वो भी अभी के अभी। अरे रुक भी, इकट्ठे 2 लाख। लो। अम्मा ये तो बहुत है। ठीक है मैं रख लेती हूँ, 2 लाख की पहली किस्त समझ के रख लेती हूँ, पर बाकी के पैसे जब मैं बोलूंगी ना तब देने होंगे, समझी ना? और कुछ? नहीं अम्मा बस मैं चलती हूँ। कहाँ चली? अम्मा वो बताया था ना, मेरी दोस्त है आमना। हाँ हाँ उसके अब्बा की बरसी। अरे नहीं नहीं उसके अब्बा तो जिंदा है, सालगिरह है, 5-स्टार होटल में रखी है, बस वहीं जाना है मुझे, बस आखिरी बार, समझ गई हो ना? ठीक है अम्मा। ठीक है अम्मा। अरे वो अपने अब्बा से इस कदर प्यार करती है कि जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती, और इसको देखो इसको अपने माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं है, अजीब लड़की है भाई। नहीं पूछे तुझे सलमान मेरी बच्ची को क्या से क्या कर दिया। खाना आएगा या मैं चला जाऊं? ऐसी क्या जल्दी है, आ रहा है खाना। वो दुकान पे बच्चे को छोड़ कर आया हूँ, वो तुम्हारे लाडलू को दुकान पे छोड़ कर आता हूँ तो पीछे कुछ नहीं बचता। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बंदा आया 100 रुपए चेंज के लिए, इसने उसको 500 रुपए थमा दिए, मैं अगर ना देखता ना तो मेरे 500 रुपए तो गए थे। अरे मंजूर अली बच्चे हैं वो। हाँ तो बच्चों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दूं? हिसाब किताब का पक्का करो, उन्हें कल सब कुछ उन्होंने संभालना है। मैं क्या कर सकती? अम्मा वो कह रही है उसे भूख नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ? मंजूर अली मैं कह रही थी कि शायद से एक बार पूछ के देख लेते हैं, शायद मान जाए। मुझे लगता है शायद वो चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती? क्या उसके लिए कोई शहजादा ढूंढ कर लाऊं? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दामाद की तरह ढूंढ कर लाऊं उसके लिए, ताकि बाद में हम उसको ढूंढते रहे? देखो मैं खाना खाने आया था, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं किसी का दिमाग खराब नहीं कर रही, लेकिन मंजूर अली खुदा के वास्ते एक बार जाके बेटी से पूछ ले, हो सकता है मान जाए। मेरा दिमाग खराब अब आप कर रहे हैं। कामा का दिमाग खराब कर रही हो तुम मेरा। सलमान कैसे हैं अनीस भाई? कैसा होना चाहिए मुझे? वो दरअसल मेरी कोई फैमिली जैसी बहन नहीं ना, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसा होना चाहिए। अब्बा वो अनीस भाई। बस मैंने जो कहा है वही होगा, बेवकूफ कहीं की। तुम नहीं जानती अनीस को? अरे सुख ही सुख है, और मैं चाहता हूं कि सुख तुम्हें मिले। कोई बेवकूफी मत करना, आपा खुद चाह रही है कि शादी सादगी से करूं। रानी बन के रहोगी, रानी बन के रहोगी।